तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओलेक्टा ग्रीन टेक के स्टॉक के बारे में। ओलेक्टा ग्रीन टेक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर गिरावट के बाद भी स्टॉक ने सिंगल टाइम भी यहाँ पर अपने प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक नहीं किया, तो हमको यहाँ पर स्टॉक में एक यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस पैटर्न को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको स्टॉक में 2.22% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 1773 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1958 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2200 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2423 और 2600-2800 तक के लेवल से भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1666 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1513 और 1410 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स ना नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।